आज लोअर दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डॉक्टर्स हैं इन सबों को डीसी ऑफिस में बुला के एक रिव्यू मीटिंग लिया है और इस रिव्यू मीटिंग में हमको ये पता लगाना था कि इस डिस्ट्रिक्ट में अभी कितने पॉजिटिव केस हुआ और पॉजिटिव केसेस का क्या हेल्थ का क्या स्टेटस है और जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं इनका जो मॉनिटरिंग जो कैसे किया जा रहा है इसका मेकानिज़म के बारे में हमको पता लगाना था इसलिए मीटिंग को बुलाया दूसरा बात था हमको ये रिव्यू करना था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या अरेंजमेंट है इसके पास अभी कितने बेड्स है कोविड बेड कितने हैं और विथ ऑक्सीजन बेड्स कितने हैं ऑक्सीजन का क्या क्वांटिटी है कितना क्या कैपेसिटी है इसके बारे में हमको मालूम लेना करना था दूसरा बात जो है आ, पावर बैकअप का क्या प्रोविजन है इसके बारे में हम लोग ने रिव्यू किया है डिस्कस किया है और दूसरा बात जो है ट्रेसिंग और जो टेस्टिंग हो रहा है जिसको और भी हम आगे चल के इसको जोड़ देना है टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग में इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट के तरफ से क्या प्लान किया जा रहा है और क्या मेकनिज़म इनके पास इन प्लेस है इसके बारे में जानकारी लेना था दूसरा बात जो है जो वैक्सीनेशनस का जो अभी चलाया जा रहा है इसका प्रोग्रेस के बारे में रिव्यू करना था और वैक्सीनेशन जो है अगर इसका टर्न अप कमज़ोर है तो इसको वैक्सीनेशन को कैसे अप किया जाए इसके बारे में हमको डिस्कस करना था तो ये सब जो है विस्तार रूप से डिस्कस हुआ है और डॉक्टर्स के तरफ से भी काफ़ी इसमें जो है सुझाव आया है वो सब सुझाव को जो है हमने नोट किया है और तीसरा बात जो है फिर ये बात था कि हमारा जो पी है पॉइंट ऑफ इंट्री वो तो शांतिपुर चेक गेट है तो शांतिपुर चेक गेट में टेस्टिंग का जो फैसिलिटीज़ है इसको और इस्ट्रेंथन कैसे किया जाए इसके बारे में हम लोग ने रिव्यू किया है और इसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुझाव डॉक्टर्स के तरफ से आया है तो हमको पता चला कि इसका ऑक्सीजन का अभी स्टॉक जो है अवेलेबल है चिंता करने का चिंता नहीं है और बाकी जो वाटर सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कुछ कुछ इसमें कमियां हैं इसको भी जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए डी एम साहब को बता दिया है पावर बैकअप के लिए हमारे यहाँ अपेडा डिपार्टमेंट के तरफ से यहाँ पर सोलर लाइट का कुछ अरेंजमेंट है उसका भी एक डेडिकेटेड कोविड जो वार्ड है उसमें ऑक्सीजन वगैरह जो है चलाने के लिए और लाइट के लिए यहाँ से हमारा अपेडा का सोलर लाइट सिस्टम से उसको इमरजेंसी में लाइट देने का भी प्रबंध किया जा रहा है लॉकडाउन करके आज एक हफ्ता हो चुका है ट्वेंटी अप्रैल से लॉकडाउन इम्पोज़ हुआ ट्वेंटी से आज तक हमारे जो पुलिस फोर्स है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है दिन रात लगे हुए हैं पब्लिक को मोबलाइज़ करने में पब्लिक का मूवमेंट को, को रिस्ट्रिक्ट करने में और बाकी जितने भी जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड है उसको बेखूफ़ी से इन लोग निभा रहा है ट्रैफिक को बिल्कुल कंट्रोल कर रहा है मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और कम्युनिटी के तरफ से भी समाज के हर वर्ग के लोग इसको बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा ले रहा है और इसको सपोर्ट कर रहा है और बहुत बढ़िया ढंग से लॉकडाउन हो रहा है कुछ कुछ बीच में हैं छुटपुट जो बेचारा वो लोग घर में बैठ बैठ के ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता होगा डिप्रेशन होता होगा जिसका बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का आदत है इन लोगों को कंट्रोल करने में हमारा पुलिस को काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है लेकिन बहुत सक्सेसफुली कंट्रोल कर रहा है लॉकडाउन को एक्सटेंशन करने का अभी तक कोई फिर फैसला नहीं हुआ है इसके लिए कल एक फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेयरिंग कमेटी एक बनाया हुआ है जो हमारा जो एपेक्स डिस्ट्रिक्ट के जो कोविड मैनेजमेंट सिस्टम है उसका एपेक्स बॉडी है तो कल हम लोग मीटिंग करेंगे एक हफ्ता का जो सिचुएशन था उसका हम लोग इसका रिव्यू करेंगे फिर आगे का कैसे रणनीति तय करना है कल हम लोग स्टेयरिंग कमेटी मीटिंग बैठ के करेंगे लॉकडाउन लगाने के बाद केसेस के काफ़ी नीचे आया करीब फिफ्टी परसेंट इसका नीचे आया है लेकिन लॉकडाउन से ये पूरा ये समाधान नहीं है लॉकडाउन में हम लोग जो है एस बहुत बेहतरीन ढंग से हम लो लोग मेंटेन करके बैठा लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर आदमी जो है केयरलेस हो जाएगा लापरवाही हो जाएगा एस को फॉलो नहीं करेंगे और वैक्सीनेशन को लेते नहीं रहेंगे तो ये दो दिन में जितना भी केसेस कम हो रहा है कि कम हुआ है वो आगे चल के फिर इसका फ़ायदा नहीं होगा इसलिए लॉकडाउन के बाद भी हम लोग बहुत केयरफुल होना पड़ेगा वैक्सीनेशन के ऊपर सब लोग जोर देना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग है हैंड वॉशिंग है हैंड सैनिटाइजर है फेस मास्क है वो जो है कभी भी भूलना नहीं चाहिए